हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नोफूड चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी राइस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं खुशखा। बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया टेस्ट का हम खुशखा बना रहे हैं। तो शुरू करने से पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम शुरू करते हैं बिरयानी राइस बनाना। इसके लिए हम लेंगे बासमती राइस। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 kg राइस। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। ये राइस 6 लोगों के लिए काफ़ी होगा। इसके बाद हम इस राइस में पानी डालकर अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद हम राइस को 1/2 आवर तक भिगोकर रखेंगे। तो अब हम, जब तक हमारा राइस भीगता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक पैन लेंगे। पैन में हम डाल लेंगे ऑयल। ऑयल हम डालेंगे 1 tablespoon। ये 1 बड़ा वाला टेबलस्पून है, तो 1 tablespoonful हम ऑयल डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला, तो इसको हम ऑयल में डाल लेंगे। ध्यान रहे कि ऑयल गरम होने के बाद में हम गरम मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, हमारे गरम मसाले अब अच्छी तरह से इसमें भुन चुके हैं। इसके बाद हम डालेंगे ऑनियन। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 medium size की ऑनियन, हमने कट कर रखी थी, तो यहाँ पर हमने 1 medium size की ऑनियन डाल लिया है। इसको अब हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगी। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम डालेंगे यहाँ पर 3 हरी मिर्च, 2 tablespoon बारीक कटा हुआ अदरक, 2 tablespoon बारीक कटे हुए लहसुन। इनको डालकर अच्छी तरह से हम 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने लिया है 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। 1 kg राइस के लिए 2 टमाटर काफ़ी हैं। इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पर मैंने लिया है 1 bowl और मिंट लीव्स। यहाँ पर पुदीना हम लेंगे 1 bowl। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 मिनट तक इसको सॉटे कर लीजिए। 1 मिनट तक ये सॉटे हो चुके हैं। अब इसको हम एक बर्तन में काट लेंगे। इसको अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा होने दीजिए। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो ये सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको एक जार में डालकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने इसका एक अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब हम एक बर्तन में ऑयल डालेंगे। ऑयल यहाँ पर मैं लूँगी 3 tablespoon। ऑयल को थोड़ा गरम होने दीजिए। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे गरम मसाले। यहाँ पर मैंने 2 लौंग, 2 इलायची और एक छोटा वाला पट्टा लिया है। इसको हम डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 medium size के चॉप किए हुए ऑनियन। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑनियन फ्राई हो चुकी है। थोड़ा सा ही हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अगले मसाले। इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 tablespoon लाल मिर्च पाउडर। 1 kg राइस है, तो
तो 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1/2 टेबलस्पून, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को थोड़ा सा हम नरम होने देंगे, 1 मिनट तक इसमें ही सॉटे कर लेंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून हरा धनिया। इसके बाद 1 लेमन जूस। इसके बाद हम डालेंगे हमने जो मसाले बारीक चॉप कर बारीक से पीस कर रख लिए थे, इसको डाल लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छी तरह से बढ़िया सा टेक्सचर दिख रहा है, ऑयल भी साइड में छूटने लगा है, स्मेल भी बड़ी बढ़िया आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम कर्ड, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दही डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया था, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। मिक्स करके अच्छी तरह से इसमें हम अब जो राइस हमने भिगो के रखे थे 1/2 घंटे के लिए, इसको डाल लेंगे। इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने चावल डालकर इसमें मिक्स कर लिया। अब हम लास्टली इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीना यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून, इसको अच्छी तरह से इसमें हम डाल लेंगे। डालकर अब लास्टली हम डालेंगे इसमें 3 ग्लास ऑफ वाटर। 1 kg राइस है तो 3 ग्लास हम पानी डाल लेंगे। पानी डालकर लास्ट एक बार इसको हिला लीजिए और बर्तन ढककर पका लीजिए। जब तक हमारे चावल पकते नहीं, हम बर्तन ढककर पका लेंगे। इन बिटवीन हम हिलाकर देखेंगे कि हमारे चावल पके हैं या फिर इसमें पानी की ज़रूरत और है या नहीं। तो अभी हम फिलहाल के लिए बर्तन ढक लेंगे। इन बिटवीन हम एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं। अच्छी तरह से पानी पूरा खत्म हो चुका है। चावल को मिक्स कर लीजिए। देखिए 80% तक पक चुका है चावल। अब हम इसको बंद करके धीमी आंच में 10 मिनट्स तक ऐसे ही रख लेंगे। 10 मिनट्स के बाद हमारा राइस पक चुका होगा। 10 मिनट्स के बाद हम ओपन करके देखेंगे कि हमारे चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं या नहीं। ये देखिए चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से लग रहे हैं, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश होगी फ्रेंड्स। आप लंच में या फिर डिनर में राइस खा सकते हैं। ये इसमें बढ़िया ही मज़ेदार बिरयानी का टेस्ट आएगा। इसको आप रायते के साथ खा सकते हैं। रायते की रेसिपी हमने अलग से डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ पर मैं रायता ले रही हूँ। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इसका ये किस तरह से बना है और इसका टेस्ट किस तरह से आया है।
रायते के साथ भी हम टेस्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है फ्रेंड्स टेस्ट, आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि इसका टेस्ट किस तरह से आया था। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।